हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पावर बैंक। ये दोस्तों सिर्फ पावर बैंक नहीं है, ये है एक खास पावर बैंक। खास क्यों? क्योंकि इसमें एक हिडन कैमरा, ये दोस्तों रिकॉर्ड कर सकती है वीडियो के साथ ऑडियो भी। और दोस्तों, आज हम जानेंगे इस पावर बैंक के बारे में ढेर सारी बातें, इसे कैसे ऑन ऑफ करना है और इसकी जो वीडियो क्लैरिटी है वो कैसी है और इसका ऑडियो ये कैसे रिकॉर्ड करती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस पावर बैंक के बारे में ढेर सारी बातें। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी आई में। सो बेसिकली दोस्तों, दिस इज़ अ कैमरा बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये पावर बैंक। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ये पावर बैंक। ठीक है, ये जो है ये हमारा पावर बैंक है, H2 करके लिखा है इसके ऊपर। इसके आगे भी आते हैं H2, H8 वगैरह, H11 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा कैमरा मिलता है, ये जो आप देख रहे हो ये कैमरा है। और इसके बाद ये इंडिकेशन लाइट है और ये जो स्लॉट देख रहे हो ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। दोस्तों, मैं आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके ही बता देता हूँ। और इसी के साथ बॉक्स में हमें एक और चीज़ मिलती है, वो है ये स्ट्रिप। ये स्ट्रिप जो आप मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत काम की है। जैसे कि दोस्तों आप ये स्ट्रिप देख रहे हो, ये यहाँ पर ऐसे आ जाती है। ये स्ट्रिप लगाने से जो हमारा कैमरा है वो पूरी तरह ढक जाता है और मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दोस्तों ढक जाता है। चाहो तो ये स्ट्रिप आप निकाल भी सकते हो, और अगर आपकी एक स्ट्रिप गुम भी हो जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें दो स्ट्रिप भी आ जाती है। देख सकते हो आप, ऐसी दो स्ट्रिप इसमें आप मिल जाती है हमें। और उसके साथ चलो दोस्तों देखते हैं मेमोरी कार्ड स्लॉट। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से रिमूव भी हो जाता है। और इसी के साथ ये जो आप बटन देख रहे हो, ये इसके ऑन और ऑफ के लिए है। और इसी के साथ यहाँ से दोस्तों ये चार्ज होती है पावर बैंक, ये जो स्लॉट आप देख रहे हो यहाँ से चार्ज होती है। और आपको अगर देखना है ये कितने परसेंट चार्ज होती है, तो आप अगर इसके बैक साइड पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन भी हमें मिल जाती है। यहाँ से तो हम पता लगा सकते हैं कि पावर बैंक कितनी चार्ज है या नहीं है पावर बैंक चार्ज, तो यहाँ से हमें भी ये भी पता चलता है, सिंपल है। और उसके साथ हमें सबसे पहले इसमें करना है अपना मेमोरी कार्ड इंसर्ट, तो ये ऑन होगा दोस्तों। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसे ऑन करने के लिए सिंपली हमें ये वाला बटन है वो प्रेस करके रखना है। देखिए मैं प्रेस कर लेता हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया तो ये लाल इंडिकेशन लाइट जल गई, जैसे ये स्टेबल होती है। एक बार फिर हमें प्रेस करना है इसे, जैसे आप इसे प्रेस कर दोगे ये इंडिकेशन लाइट 3 बार जल के बंद हो जाएगी, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग अभी ऑन हो गई है, आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर H2 वाला साइड ऊपर है, मतलब ये सीधे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको फुटेज उल्टी दिखाई देती है। बाद में आप इसे एडिट भी कर सकते हो, बट अगर आप ऐसी ये साइड ऊपर रख दोगे तो ये सीधा ही रिकॉर्ड करेगी, आपको कुछ एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो सिंपली ये फिर से प्रेस करके रखिए, इंडिकेशन लाइट रेड वाली जल जाएगी, मतलब ये बंद हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसे ये फुटेज देखनी है तो सिंपली मेमोरी कार्ड निकाल के आप लगा सकते हो आपके कार रीडर में, नहीं तो ये पावर बैंक भी सीधा देखिए हम लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इधर ये कनेक्ट कर दीजिए और कर दीजिए कनेक्ट इसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, देखिए। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। सिंपली ये यहाँ पे आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर मेरे दो मॉनिटर है तो मैंने इधर ट्रैक कर लिया है। देखिए ऑन हो गई है, मैंने कल कुछ फुटेज भी निकाले थे इससे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडोर आउटडोर दोनों फुटेज मैं आपको दिखा दूंगा। ये इंडोर वाली क्लैरिटी है दोस्तों, मेरे बड़े भाई है ये। ओके, तो ये वाली जो क्लैरिटी है दोस्तों ये इंडोर है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडोर की क्लैरिटी कैसी है, आप क्या आपको पसंद आई। और ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये मैंने आउटडोर खींची थी, तो आउटडोर में ऐसा कुछ दिखता है। क्लैरिटी की बात करें दोस्तों तो क्लैरिटी इसकी अच्छी है और ये वीडियो के साथ ऑडियो भी बहुत अच्छा
रिकॉर्ड कर लेती है पावर बैंक। और इसके साथ ही हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी इसकी वीडियो और ऑडियो दोनों की क्लियरिटी। तो दोस्तों इस पावर बैंक के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है इसके वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियरिटी के लिए। अगर आपके हो कोई भी क्वेश्चंस या डाउट इस पावर बैंक के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैंने मेरे नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दी है दोस्तों, आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। जय हिंद। I'm gonna go get some more.